हे एवरीवन, मैं जो तुम्हारे वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ एक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, जो कि हम करने वाले हैं फेयर एंड लवली से। सो अब मैं इसमें कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसमें कोई कंसीलर यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट फेयर एंड लवली। सो हम आज इससे अपना मेकअप करने वाले हैं। आपके पास कोई भी डे क्रीम होगी, आप उसको इसकी जगह यूज़ कर सकते हो। सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आपको पता होगा कि फेयर एंड लवली जो होती है वो थोड़ी सी ड्राई होती है। आप फेस पे अप्लाई करते हो तो आपको थोड़ा सा ड्राई फील होता है। इसके लिए आपने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेना है। तो सबसे पहला स्टेप भी हम कोई भी मेकअप करते हैं मॉइस्चराइज़र का ही होता है। तो हम सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करेंगे। मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये पॉन्स का मॉइस्चराइज़र। सो इसको यूज़ करूँगी मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए। अगर आप वेडिंग या पार्टी में दिन में जाते हो तो दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो धूप से बचने के लिए आप सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ये लोटस की सनस्क्रीन, जो कि SPF 40 है। तो मैं इस सनस्क्रीन को यूज़ करूँगी। आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो जो आपके पास है। तो यस, नेक्स्ट जो स्टेप रहता है वो रहता है प्राइमर का। बट हम फेयर एंड लवली यूज़ कर रहे हैं तो प्राइमर का इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। बट अगर आपके लार्ज पोर्स हैं, मतलब आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, या फिर आपके पोर्स बहुत ज़्यादा विजिबल हैं, तो आप प्राइमर को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि प्राइमर से आपके जो पोर्स होंगे वो थोड़े ब्लर हो जाएंगे, जिससे कि आपका जो मेकअप होगा और आपका जो चेहरा होगा वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्राइमर यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरे को प्राइमर यूज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी मैं प्राइमर को यूज़ करूँगी, ताकि आपके अगर ऐसा कुछ पोर्स वगैरह ज़्यादा लार्ज हैं तो आप प्राइमर यूज़ कर सको। सो मैं ये NYB का ये वाला प्राइमर यूज़ करूँगी, बहुत ही हल्का सा लूँगी, बहुत ही हल्का, एंड अपने जो टी जोन एरिया है वहाँ पे इसको अप्लाई कर लूँगी। ओके, सो फाइनली अब हमारी जो बारी आएगी वो आएगी फेयर एंड लवली की। सो इसको मैं लूँगी तो, बट इसमें मैं क्या करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई लगती है फेस के ऊपर एंड हमें आगे का मेकअप भी करना है, तो मैं इसको लूँगी एंड इसमें मैं क्या करूँगी, सो मैं इतना सा ले रही हूँ एंड मैं इसमें क्या करूँगी, विटामिन ए का कैप्सूल ऐड करूँगी। मुझे वैसे यहाँ लेनी चाहिए थी हथेली पर, बट ठीक है। ओके, सो मैं 2 या 3 ड्रॉप डालूंगी इसमें, दैट्स इट। इससे क्या होगा, ये ना बहुत इजीली आपके फेस पे अप्लाई होगी एंड आगे का जो मेकअप होगा वो भी स्मूथली हो जाएगा। और अगर आप पे विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है तो आप इसमें अपना फेशियल ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप पे वो भी नहीं है तो आप इसमें नारियल की 1 या 2 बूंद डाल सकते हो, क्योंकि नारियल का जो तेल होता है वो भी फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड फिर हम अप्लाई करेंगे। जब अब हम इसे अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा, जो जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होगा। सबसे मेन क्या है कि ये हमारे फेस पे ना केक ही ना लगे और बहुत ज़्यादा अजीब सी ना लगे, अच्छे से अप्लाई हो जाएँ। तो उसके लिए ये स्टेप बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम क्या करेंगे, इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेंगे, थोड़ा सा नेक पे भी अप्लाई करेंगे। दैट्स इट। नाउ अभी आप देख रहे हो कितने ज़्यादा स्मूथली ये अप्लाई हो रही है, वरना जो इसको हम अगर ऐसे ही अप्लाई करते तो ये बहुत ज़्यादा, आई थिंक मैंने बहुत ही कम अप्लाई कर लिया, थोड़ी जो बच गई है वो भी मुझे अप्लाई करनी चाहिए।
बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जा रही है ये, इसके विटामिन ए का जो मैंने ड्रॉप्स डाली है ना उसने बहुत इजीली ब्लेंड हो रही है। ओके तो हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से ब्लेंड हो गई है। मैंने यहाँ पे फेयर एंड लवली यूज़ किया, अगर आपके पास कोई भी डे क्रीम है तो आप उसको इसकी जगह यूज़ कर सकते हो। मैं स्टार्टिंग में लिप बाम को अप्लाई करना भूल गई थी, तो मैं ये ब्लू हेवन की लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स पे, ताकि जब हम लिपस्टिक लगाएं तो फिर मेरे को ओके। नाउ नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो रहेगा हम अपने फेस पे क्या करेंगे, फेस पाउडर को अप्लाई कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा जो है ना कवर हो जाए फेस, एंड हमारे जो डार्क सर्कल्स या कुछ भी हमारे फेस पे थोड़े दाग धब्बे होते हैं वो भी फेस पाउडर को अप्लाई करने से, कॉम्पैक्ट पाउडर को अप्लाई करने से थोड़े बहुत हट जाते हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला मेबेलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर। आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल। एंड इस तरह से इसको हम कॉम कर लेंगे ताकि थोड़ी सी नेचुरल लगे। That's it. Now, इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा आई लुक कर लेते हैं अपना, बहुत ही सिंपल सा। सो मैं सबसे पहले लूँगी लाइट ब्राउन शेड। सो लाइट ब्राउन शेड मैं लूँगी, आप पे अगर कोई भी लाइट ब्राउन शेड हो तो आप भी इसी तरह से लें। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड, जो कि मैं अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। इस तरह से मैंने गोल्डन शिमर अप्लाई कर लिया। नाउ इसमें थोड़ा सा मैं पर्पल कलर का शिमर आई शेडो अप्लाई करूँगी ताकि थोड़ा सा जो है ना लुक पीछे साइड इस तरह से मैं एंड इनको अच्छे से मर्ज कर लूँगी। नाउ अब बारी है आईलाइनर की। सो आईलाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मेबेलिन का आईलाइनर। सो मस्कारे के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वाला मस्कारा, मेबेलिन का मस्कारा है ये। उससे पहले मैं अपने लैशेस को थोड़ा ना कर्ल कर लेती हूँ। सो नेक्स्ट जो रहेगी वो मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ, ये LA 18 की काजल। सो हल्की सी मैं काजल अप्लाई करूँगी। एंड इसको मैं मर्ज कर दूँगी ब्राउन कलर जो हमने लाइट ब्राउन कलर लिया था ना उसके साथ। ओके सो ये वाली जो आँख है वो कंप्लीट हो गई है। नाउ जल्दी से मैं ना ये वाली आँख करके आती हूँ। ओके सो हमारा आई लुक कंप्लीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो होगा ब्लश कॉन्टोर हाईलाइट। सो ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का ब्लश। सो इसको हम अपने चीक्स पे अप्लाई कर लेंगे बड़ी सी स्माइल के साथ।
थोड़ा सा नोज पे एंड थोड़ा सा नाउ हल्का सा कॉन्टोर. वैसे कॉन्टोर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा मैं कर लूँगी. सो कॉन्टोर करने के लिए मैं वही जो मैंने आईज़ के लिए अपना ब्राउन कलर यूज़ किया है आई शेडो पैलेट से, वही ब्राउन कलर मैं आई शेडो के लिए यूज़ कर रही हूँ. कॉन्टोर बिल्कुल हल्का. नाउ मेरे को हाइलाइटर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मेरा ब्लश था वो शिमर ब्लश था, तो उसमें ऑलरेडी मेरे फेस को हाइलाइट कर दिया है. अदरवाइज़ आप हाइलाइट कर लेना. सो नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, जो कि लास्ट स्टेप है, वो है हमारी लिपस्टिक. सो लिपस्टिक के लिए आप चाहो तो कोई भी लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो, एंड मुझे अभी देखना पड़ेगा कौन सी लिपस्टिक इस पर ज़्यादा अच्छी लग रही है. सो मैं पहले सोच रही हूँ कि मैं सो अभी मेरे आइडिया में मेरे माइंड में जो है वो है ये वाली शुगर की ये वाली लिपस्टिक, जिसका जो शेड है वो है क्रियॉन लिपस्टिक है, जिसका शेड है 28 हनी राइडर. सो मैं पहले ये लगाती हूँ, अगर मुझे ये अच्छी लगी इस लुक पे तो फिर फाइनल कर दूँगी, अदरवाइज़ फिर देखते हैं कोई दूसरी लिपस्टिक लगाऊँगी. इतनी बुरी नहीं लग रही, आई थिंक अच्छी जा रही है लुक पे ये वाली लिपस्टिक. सो यस, लास्ट में मैं क्या करूँगी, जहाँ जहाँ पे फेस हाईलाइट रहता है ना, मतलब हाइलाइटेड एरिया होता है, जैसे कि हमारा फोरहेड हो गया और ये एरिया हो गया, ये वाला यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो कॉम्पैक्ट मैंने यूज़ किया था ना उसको मैं फिर से वहाँ पर इस तरह से ले के फिर से मैं क्या करूँगी, अप्लाई करूँगी, ताकि वो एरिया ना थोड़ा हाइलाइटेड रहे. इस तरह दैट्स इट. नाउ मेरा लुक हो चुका है कम्प्लीट. थोड़ा सा मैं क्लोजअप दे देती हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह का लुक हमने किया है आज. सो यस, ओके. सो ये था मेरा फेयर एंड लवली का मेकअप लुक. सो आपने देख लिया होगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ फेयर एंड लवली यूज़ की है, बाकी मैंने नो फाउंडेशन नो कंसीलर कुछ भी यूज़ किया है. सो इस तरह से आप भी किसी भी पार्टी, किसी भी वेडिंग, किसी भी ओकेशन, कुछ भी हो, इस तरह से आप अपना मेकअप लुक कर सकते हो फेयर एंड लवली को यूज़ करके. एंड मैं खुद बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई हूँ जिस तरह से मुझे रिज़ल्ट मिला है ना, मैं खुद ही शॉक्ड हो गई हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा, मतलब आप देख सकते हो कितना प्यारा मेकअप लग रहा है, मेकअप लुक लग रहा है. सो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये वीडियो करते हुए, एंड मैंने सोचा, मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा अच्छे से मेरा मेकअप निकल के आएगा. तो इसी तरह आप भी फेयर एंड लवली को यूज़ करके पार्टी, वेडिंग, किसी भी ओकेशन का मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो, एंड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा ये मेकअप लुक लग रहा है. सो बिल्कुल भी ऐसा, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लग रही है कि फाउंडेशन की ज़रूरत है या कंसीलर की ज़रूरत है, बिल्कुल सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है. सो यस, एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया ये मेकअप लुक, एंड मैं इस तरह से अब डेली मेकअप करने भी वाली हूँ. जब भी मुझे कहीं जाना हो तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया. सो अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये मेकअप लुक
कैसा लगा है। सो यस, सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन, मैं जितनी भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।